नमस्ते दोस्तों दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम जियो मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे जो विषय हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। बहुत सारे जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा एक टॉपिक और है इससे ही संबंधित, जिसको बोलते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी मतलब समसंतुलन। ये होता क्या है और इसका हमारे जियो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम देखते हैं कि क्यों ये जो हमारा विषय है या क्यों ये थ्योरी हम लोगों को पढ़नी पड़ती है। पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि ये है क्या। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये हमारे संतुलन को बताता है कि जो पर्वत पठार या मैदान है वो किस लिए बने हुए हैं, उनका औचित्य क्या है, उनका फ्यूचर क्या होगा और उनका जो पास्ट था वो क्या है। मतलब एक इस सिद्धांत के कारण हम हमारी जो स्थलाकृतियां हैं या हमारे जो उच्चावच है उनके भूतकाल और उनके भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। वास्तविकता क्या होगी आपके अनुमान के आधार पर ही वो वास्तविकता होगी। और अगर हम देखेंगे कुछ इतिहास से सीखेंगे और कुछ भविष्य के लिए हम अजम्पशन कर सकते हैं, कुछ इच्छाएं कर सकते हैं कि ये कुछ हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार आपको खुद लगेगा कि ये कुछ संभव हुआ है तो आगे भी ये संभव होगा। इसलिए इस सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है, इसलिए इस सिद्धांत को जानना जरूरी है। इस सिद्धांत के अंदर बात क्या है, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक कौन सा, यूरोपियन एक लैंग्वेज थी ग्रीक भाषा। उस ग्रीक भाषा के अंदर आइसोस्टेसी का मतलब होता है समसंतुलन, मतलब सभी के अंदर संतुलन स्थापित करना। और ये समसंतुलन हमारी प्रकृति का एक सबसे अनूठा नियम है। हमारी प्रकृति में हर एक चीज संतुलित है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होती। जब भी उसका लेवल बढ़ता है या वो जब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो बाकी चीजें डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। आइसोस्टेसी का एक और समसंतुलन का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपनी वर्तमान के करंट सिनेरियो में बताऊं तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और कार्बन की जब मात्रा बढ़ रही है तो बाकी जो गैसेस हैं उनकी मात्रा कम हो रही है। ये हो रही है ना, तो क्या है, प्रकृति संतुलित करती रहती है अपने आप को और प्रकृति की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समसंतुलन। तो आइसोस्टेसी की जो प्रक्रिया है या जो ये जो वर्ड था ये सिर्फ समसंतुलन के लिए था, बट आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, मतलब समसंतुलन के सिद्धांत के जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव के अंदर। आज देखते हैं कि ये है क्या। बेसिकली जो हमारी थ्योरी है वो क्या बताती है, क्या बता ये बताती है कि जो हमारे क्रस्ट के ऊपर, जो हमारी क्रस्ट के ऊपर क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुन्द्र की तली है ना, ये सभी के सभी हैं और इन सभी के अंदर एक बैलेंस स्थापित है, किन सभी के अंदर एक संतुलन स्थापित है और इसी का अध्ययन करना ही आइसोस्टेसी कहलाता है। समझ आया कि भूसंतुलन क्या है, कि भूमि के ऊपर जितनी भी हमारी स्थलाकृति है उन सभी के अंदर एक बैलेंस है, एक संतुलन है और इसकी स्टडी ही क्या कहलाती है, समसंतुलन। इतनी बात समझ आई आपको। अब देखते हैं कि ये जो समसंतुलन है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन किस प्रकार हुआ, कि ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसका जो शुरुआत थी वो 1850 के अंदर हो गई थी और इसकी शुरुआत इंडिया के अंदर से हुई थी। हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत भारत के अंदर से हुई थी और कैसे हुई थी, आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना होगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8850। तो माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट का नाम आपको भी पता है कि नेपाल में इसका नाम अलग है, बट माउंट एवरेस्ट का नाम देखते हैं तो ये माउंट जो है, माउंट का मतलब पर्वत और एवरेस्ट कौन, एवरेस्ट एक अलग वर्ड है ना, एक इंग्लिश वर्ड है। तो जो एवरेस्ट थे, जॉर्ज एवरेस्ट, जो हमारे भारत के पहले जो सर्वेयर ऑफ इंडिया थे, जो पहले सर्वे करने वाले व्यक्ति थे, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है या इन्होंने ही सबसे पहले हमारे माउंट एवरेस्ट को खोजा था। जब ये सर्वे कर रहे थे तो इन्होंने ये सर्वे के अंदर दो तकनीकें यूज की और ये सर्वे का तकनीक कौन कौन सी यूज की, इन्होंने दो तकनीकों में एक सबसे पहली तकनीक इन्होंने यूज की जियोस्टैटिक जियोडेटिक सर्वे और सेकंड इन्होंने कौन सी सर्वे की, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे।
दो प्रकार के सर्वे इन्होंने किए, बट इन्होंने भारत के अंदर जो सर्वे किया था वो सर्वे कौन सा था? जियोडेटिक सर्वे। इस जियोडेटिक सर्वे के अंदर इन्होंने क्या किया? इस जियोडेटिक सर्वे के, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो जियोडेटिक सर्वे था, इस जियोडेटिक सर्वे के अंदर होता क्या है? बेसिकली एक पेंडुलम होता है जिसकी सहायता से हम अक्षांश और देशांतर को प्रदर्शित करते हैं। अभी पेंडुलम मैं आपको बताऊं, अगर आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर पेंडुलम एक होता है जो बच्चे वो फिरकिया वो लट्टू घुमाते हैं, उसके ऊपर अगर डोरी बांध दी जाए, या फिर और बेसिक मैं आपको बताऊं तो अगर हम लोग किसी पत्थर को डोरी से ऊपर की तरफ ले जाएं या उसको लटका दें तो वो एक पेंडुलम की तरह काम करेगा। और मैं आपको बताऊं तो पहले पेंडुलम वाली घड़ियां आती थी, जिन घड़ियों के नीचे एक घंटा सा इतना लंबा लटकता रहता था और वो सेकंडों के हिसाब से काम करता रहता था। तो उस प्रकार के पेंडुलम से अक्षांश और देशांतर मापे जाते थे। तो इस प्रकार का सर्वे जो माउंट एवरेस्ट थे या फिर जो जॉर्ज जो एवरेस्ट थे उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को, सॉरी, जो हिमालय पर्वत था उसका सर्वे जब उन्होंने किया तो उनके दिमाग में एक अजम्पशन थी और एक सिद्धांत जो उस समय सबसे प्रचलित था और जो आज भी सभी जगह प्रचलित है और जो सत्य है कि जिसका सब जितना ज्यादा मास होगा उसकी जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका भी मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं जो हमारी लाइफ के अंदर है। पहले तो हम देखते हैं कि साइंस के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस। आप देखोगे कि जो हमारा सूर्य है उसका मास सबसे ज्यादा है, इसलिए जो हमारे सौर मंडल के जितने भी उपग्रह हैं और ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो उसके जो एरिया है, जो उसका अक्षेत्र है, उसको छोड़कर नहीं जाते। अगर हम हमारी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो कुछ लोगों के अंदर, जैसे जो हेल्दी आदमी होता है, जो मोटा तकड़ा जवान होता है, उसकी तरफ जो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसकी तरफ लोग ज्यादा देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि उसकी उसके मास के कारण, उसकी उसकी फिजिक के कारण। तो ये एक हमारी नॉर्मल लाइफ में है। तो इनके दिमाग में भी एक ऐसा ही प्रोस्पेक्टिव था कि जो माउंट एवरेस्ट है उस माउंट एवरेस्ट के अंदर जो ग्रेविटी होगी और वो ग्रेविटी ये जो पेंडुलम है इस पेंडुलम को अपनी तरफ प्रभावित करेगी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ये माउंटेन है, मतलब हिमालय है, यह हिमालय, यहां के जो एरिया होंगे या यहाँ के जो मतलब ए सिटी ये, बी सिटी ये या सी सिटी ये, इन सिटी के अंदर के लोगों को, इन सिटी के अंदर के वस्तुओं को विभिन्न तरीके से प्रभावित करेगा या उनकी तरफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो जियोडेटिक सर्वे था इसके तहत इन्होंने दो शहरों को लिया, दो अक्षेत्रों को लिया। पहला कौन सा था? कल्याण क्षेत्र था और दूसरा था कल्याणपुर। पहला कौन सा था? कल्याण, और दूसरा कल्याणपुर, मतलब इसको बोल सकते हैं K1 और K2। इन्होंने दो क्षेत्रों में पेंडुलम लटकाए, और पेंडुलम जब लटकाए तो इन्होंने देखा कि जो ए क्षेत्र, जो मतलब ए रीजन जो हिमालय के नजदीक था, और ये जो बी रीजन जो हिमालय से दूर था, इन्होंने ग्रेविटी, इनकी जो ग्रेविटी थी, या जो हिमालय की ग्रेविटी थी, उस गुरुत्वाकर्षण का ए और बी दोनों ही रीजन पर कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं रहा। मतलब इन्होंने नोटिस की एक बात कि जो चीज, जो क्षेत्र हिमालय के नजदीक है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होना चाहिए बजाय बी क्षेत्र के। पर जब उन्होंने दोनों के अंदर अंतर देखा तो वो अंतर कितना था? अप्रोक्सीमेटली 5°23', मतलब 5 डिग्री और 23 मिनट का ही फर्क इन लोगों ने देखा कि इस एरिया के अंदर और ये जो बी एरिया था इस एरिया के अंदर। ये एरिया था और ये बी एरिया था। तो ये जो डिफरेंस था, इस डिफरेंस ने
इन वैज्ञानिकों को, इन भूगोलवेताओं को सोचने पर मजबूर किया। इन्होंने देखा कि ये जो हिमालय है वो ज्यादा सा हमारे जो पेंडुलम है, जो हमारे सर्वे है, उसको प्रभावित नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं जो मास का और जो ग्रेविटी का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा था। बट वो सिद्धांत अन्य जगह पर सही सिद्ध हो रहा था, तो मतलब उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता था। तो ऑब्जेक्शन किसके ऊपर उठा? हिमालय के ऊपर। तो हिमालय के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा, और हिमालय के ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठा तो सबसे पहले दो जो भूगोलवेत्ता उस समय थे, एक नाम था उनका एरी और सेकंड था प्राट। उनके सामने ये समस्या लेके जाई गई कि आप बताइए कि किस कारण से हिमालय की ग्रेविटी कम है। और अन्य जो भूगोलवेत्ता थे उनके पास भी ये प्रॉब्लम लेके जाई गई कि आप बताइए कि किस कारण से ये गुरुत्वाकर्षण इसके अंदर कमी है। तो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने इसके बारे में अलग अलग प्रमाण दिए। तो बेसिकली चार तरह के प्रमाण उन्होंने दिए। तो पहला प्रमाण ये था, उन्होंने बोला कि जो हमारा हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है, वो हिमालय पर्वत के अंदर बुलबुले हैं या बबल, इस बबल के कारण ही ये हिमालय बना हुआ है और इस बबल के ऊपर ही चट्टाने रुकी हुई। इस जो सिद्धांत था, ये जो बात कही गई, इसका कोई औचित्य किसी को नहीं लगा तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। सेकंड फिर बोला गया कि जो हिमालय है वो हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना, मतलब ऊपर सिर्फ 10% ही है, बाकी 90% पृथ्वी के अंदर है। बस सेकंड जो प्रमाण दिया गया, सेकंड जो बात कही कि ऊपर 10% और नीचे 90% है, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हुआ। क्यों ऑब्जेक्शन हुआ? कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर तो ऊंचा है, तो 10 का बाकी जो क्या हुआ 90 किलोमीटर अगर नीचे की तरफ जाए तो आप देखोगे कि नीचे 90 किलोमीटर नीचे तो क्या आ जाती है? मेंटल आ जाती है। और मेंटल में क्या है? हमारा लावा है। तो ये प्रमाण भी क्या हुआ? गलत निकला। तो तीसरे प्रमाण पर ये भूगोलवेत्ता पहुंचे कि ये सभी के सभी जो पर्वत हैं, जो पठार है, मैदान है, इनकी डेंसिटी के अंदर फर्क है, इनके घनत्व के अंदर डिफरेंस है, और इस घनत्व के कारण ही क्या है कि इनकी जो ग्रेविटी है या जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम या ज्यादा हो सकता है। इस प्रमाण के ऊपर लगभग जो भूगोलवेत्ता थे वो सहमत हुए। और इस सहमति के बाद सबसे पहले जो हमारे डंटन थे, जो डंटन महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में बात की। इन सिद्धांत के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। और ये डंटन कौन थे? ये एक यूएस के ज्योग्राफर थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। तो डंटन ने 1889 के अंदर सबसे पहले इसके बारे में बताया। और इसके बारे में ये बताया, इन्होंने आइसोस्टेसी के बारे में बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो स्थलाकृतियां हैं, और स्थलाकृतियों में क्या क्या है? सबसे ऊंचे कौन से हैं? पर्वत। सेकंड क्या है? पठार। थर्ड क्या है? मैदान। और फोर्थ क्या है? समुद्र की तली। तली या फिर ओशियन फ्लोर। सेकंड क्या है? प्लेन, प्लेटो और माउंटेन। ये चार प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। तो इन स्थलाकृतियों के अंदर, इन चारों के चारों स्थलाकृतियों के ऊपर, या इन चारों के चारों जो हमारे उच्चावच है, इन सभी के उच्चावच के अंदर डेंसिटी के अंदर फर्क है, घनत्व के अंदर फर्क है। इन्होंने बताया कि जो पार्ट ऊंचे हैं उनकी डेंसिटी क्या है? कम है, घनत्व कम है। और जो सबसे नीचे पार्ट है, मतलब जो समुद्र की तली है, समुद्र की तली कहां पर होती है? मैदानों से भी नीचे होती है। मतलब समुद्र कितने गहरे हैं उनकी निचाई में ये समुद्र की तली होती है, जहां पर जो सेडिमेंट है वो इकट्ठा होते रहते हैं। इन्होंने बोला कि ये जो समुद्र की तली है, इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है,
वो सबसे ज्यादा है, सबसे नीचे वाले का सबसे ज्यादा है और सबसे ऊपर वाले का सबसे कम है। पर ये सभी के सभी, ये चारों की चारों जो लैंड फॉर्म है, जो स्थलाकृतियां हैं, वो एक लाइन के ऊपर, एक रेखा के ऊपर सभी के जो डेंसिटी है उसके अंदर डिफरेंस है। बट इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे इनकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं। मतलब यहां पर इनकी जो डेंसिटी है वो बराबर है, और इसी रेखा को उन्होंने क्या बोला, लाइन ऑफ यूनिफॉर्म या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म। सेकंड इन्होंने क्या बोला, आइसोस्टेसी लेवल या लाइन ऑफ कंपनसेशन। ये तीनों इसी रेखा के नाम थे, इसी अक्षेत्र के नाम थे। आगे इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत के बारे में, आइसोस्टेसी के बारे में। इन्होंने बताया कि जो हमारे पर्वत हैं, जो हमारे ऊंचे पर्वत हैं, ये पर्वत हैं, ये देखते हैं, ये जो पर्वत हैं, जब इनका अपरदन होता है, तो अपरदन होता है तो क्या होगा, ये यहां पर जो समुद्र की तली है वहां पर सेडिमेंट जमने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्वत कहीं कभी मैदान में कन्वर्ट होकर जो मैदान का जो सेडिमेंट है वो धीरे 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 ओशियन के फ्लोर के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, और जब ओशियन फ्लोर के अंदर जमना शुरू होगा तो डेंसिटी ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा है वहां पे, जब और सेडिमेंट जब इकट्ठे होंगे तो ये जो हमारी ओशियन फ्लोर है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा, और इसके नीचे का जो लावा था, इसका जो मैग्मा था, वो मैग्मा इस साइड मतलब उस पर्वत के नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और उस पर्वत के नीचे जाना जब शुरू हो जाएगा तो जो पर्वत की ऊंचाई है वो दोबारा से उठनी शुरू हो जाएगी, या उसके अंदर अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाएगी, और जो हमारी फ्लोर है, ओशियन फ्लोर है, उनकी गहराई बढ़ती जाएगी। तो ये जो साइकिल है, ये जो प्रक्रिया है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, समसंतुलन। जो डंटन महोदय थे 1889 के अंदर, इन्होंने जो समसंतुलन था, जो आइसोस्टेसी था, उसको बारीकी से समझाने की कोशिश की। और इसके बाद, इनके बाद जो बहुत सारे जो ज्योग्राफर थे, जिनके अंदर एरी आया, प्राट महोदय आए, आर्थर होम्स आए, जोली आए, उसके बाद और जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए, और इन्हीं विचारों के आधार पर इस सिद्धांत का के अंदर कुछ नए जो शाखाएं थी वो बनी, और कुछ के सिद्धांत के अंदर और ज्यादा विकास हुआ। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट होगा, हम उस पार्ट के अंदर जो भिन्न भिन्न जो ज्योग्राफर थे उनके द्वारा जो सिद्धांत के अंदर जो व्याख्याएं दी गई उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा सिद्धांत है, ये जो हमारी थ्योरी है, इसकी इंपॉर्टेंस वास्तविकता में या करंट सिनेरियो में कितनी है या कितनी नहीं है। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।